वेलकम है हमारे चैनल ऑल इन वन में। तो करंट अफेयर का सीरीज लगातार जारी है। आने वाली परीक्षा 69 बीपीएससी के लिए और जो परीक्षा सेवन फेज टीचर की जो वैकेंसी निकली है उसमें भी ये करंट अफेयर 100% जो है इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी बीपीएससी 69 देने वाले हैं और जो भी विद्यार्थी ये शिक्षक का परीक्षा देने वाले हैं, तो ये दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को करेंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है इससे जुड़ जाइए और लगातार वीडियो डालते हुए आपका जो है पूरा करंट अफेयर आपके परीक्षा से पहले कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पे घटना चक्र का ये हम देखेंगे और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक लंबा पूरे एक साल का जो है यहाँ पर घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी से 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वन लाइनर करंट अफेयर जो कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, आप बस इसको पढ़ करके परीक्षा से पहले एक बार दो बार इसको देख लेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, रोड मैप क्या है? ये रोड मैप होता है किसी भी डेवलपमेंट वर्क को करने का नीति बनाना, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो नियम बनाना, ठीक है। तो कृषि को बिहार जो कि कृषि प्रधान है, काफ़ी एक बड़ी आबादी बिहार में कृषि पर अभी भी आश्रित है, 60% से ज़्यादा लोग। तो इसका कृषि रोड मैप जो है कब से लागू होगा? तो जो बिहार गवर्नमेंट जो कृषि रोड मैप बनाई ये 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा, ठीक है। और ये अवधि, ये जो प्लान है कृषि को बढ़ाने का, डेवलप करने का और जैविक खेती बढ़ाने का, जो भी इसमें जो फसल को जो है बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया ये लक्ष्य 2028 तक है। और इस रोड मैप में दलहन तिलहन लेयर फार्मिंग मोटे अनाज डेयरी फिशरिंग जलवायु अनुकूल कृषि पर, तो ये सारे टॉपिक इसमें जो है और कृषि रोड मैप में रखा गया है कृषि को सुधार करने के लिए, कृषि में डेवलपमेंट लाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक फूड्स को यहाँ पे जो है रखा गया है, इसको बढ़ाने का काम जो है किया जाएगा। दलहन तिलहन लेयर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग का मतलब हुआ कि एक खेत में एक से ज़्यादा फसल बोने का जो है वहाँ पे काम होगा। मोटे अनाज जैसे कि जो आज कल समझ लीजिए उठ ही गया है, ये अनाज आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलता है, खासतौर से आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में मोटे अनाज जो है खाने का चलन बिल्कुल समाप्त हो गया, जबकि सेहत के लिए मोटा अनाज काफ़ी अच्छा होता है। डेयरी फिशरीज, ठीक है, जलवायु, तो ये जलवायु अनुकूलन कृषि जो कि कृषि में चावल की खेती करने में एक बहुत हज़ारों लीटर का जो है पानी का खपत हो जाता है सिर्फ 1 किलो चावल उगाने के लिए, तो ये हमारे इन्वायरमेंट से जो है अनुकूलित नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा पानी खर्च करके 1 केजी चावल अगर हम उगा पा रहे हैं तो ये हमारे जलवायु के अनुकूलन नहीं है और हमारा ग्राउंड डिस्चार्ज हो जाएगा कल होकर के, फिर हमें समस्या हो जाएगी, फिर पानी का किल्लत हो जाएगा जो कि बहुत सारे जिला में हो भी रहा है, जो पहाड़ी इलाका है, जो 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 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पानी पहले से ही ग्राउंड लेयर कम था वहाँ पे लगातार कम होती जा रही है। तो देखिए थोड़ा हम इसमें चर्चा भी कर लिए, चर्चा करने से देखिए होता यह है कि टॉपिक आपके दिमाग में ना आ जाता है, ये याद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को जो है चर्चा कर लिया जाए। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया, मतलब एक हमारा जो पटना में फेमस पटना कॉलेज है 160 साल हो गया है, 161 साल हो गया उनका जो है दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी, ये पूछ सकता है। बिहार में जाति की गणना की शुरुआत हो गई है 7 जनवरी 2023 से, ठीक है। जाति की जनगणना बिहार में 7 जनवरी 2023 से, पहले चरण की जनगणना का डेट जो यहाँ पे है 7 जनवरी से 21 जनवरी, और दूसरे चरण का जो जनगणना है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। पहले चरण में मकान नंबर दिए जाएंगे, घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा, घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। तो 26 क्वेश्चन जो है आपको जाति जनगणना में पूछा जाएगा और इसका शुरुआत जो है नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसरे गांव में 01 लिखकर किया। तो इम्पोर्टेंट ये दो टॉपिक, दो इसमें जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, 26 प्रकार के जो है इसमें जानकारी ली जाएगी और इसकी शुरुआत, जाति जनगणना की शुरुआत वैशाली के हरसरे गांव में 01 लिख करके किया, तो ये करेंट अफेयर में पूछ सकता है। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो समाधान यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी 2023 से जो हुई है ये
नीतीश कुमार ने किया, ये वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिमी चंपारण जिला से किया, ठीक है। 3 जनवरी 2022 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 से 2024 से 25 तक कितने रुपये की स्वीकृति दी गई? तो जैविक खेती क्या होता है? जैविक खेती विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र के, जैव से जो प्राकृतिक से जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे गोबर हो गया, पत्ते हो गए, मिट्टी, जो जो खाद हो गया, तो जानवरों के जो जो जानवर से जो चीज़ें हैं, और पेड़ पौधे पत्ते जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो सब वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल होता है। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ 104.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2022 से 23, 2024 से 25 तक, ठीक है, बहुत ही कम खर्च है। 2025 तक के लिए 104.09 करोड़ रुपये का जो है पास किया गया है। तो जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। इस योजना में जीविकों किसानों को अग्रिम अनुदान राशि दी जाएगी। अब देखिए, इसमें पॉलिसी के ऊपर जो है हम बातें कुछ बातें कर लेंगे, जो जो चीज़ें जो है हमें काम आएगी, मेंस में भी जो है काम आएगी टॉपिक, अगर वो टॉपिक पर अगर सवाल बन गया तो जो 13 जिलों को चुना गया है, ठीक है, जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है और किसानों को अग्रिम अनुदान राशि प्राप्त होगी 104 करोड़ का जो रखा गया यहाँ पे, देखिएगा, पहले वर्ष में 11,500 रुपये की सहायता, द्वितीय वर्ष में 6,500, तृतीय वर्ष में 6,500 प्रति एकड़ पर, इतना जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए किसानों को दिया जाएगा, ठीक है। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तर स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो स्वीप आइकॉन मतलब, देखिए, चुनाव में अभी भी 61%, 65%, 50%, कई बार हम सुनते हैं कि लोग जो है चुनाव में पार्टिसिपेट किए हैं, तो लोकतंत्र में एक एक वोट बहुत कीमती होता है। अगर इस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या जो पार्टिसिपेट नहीं करेगी चुनाव में, तो इससे होगा ये कि हम जो गलत लोग हैं उसको पॉसिबिलिटी है कि वो वोट को खरीद कर और फिर गलत सोर्स से जो है वो चुनाव को जीत जाए। तो पूरी जनता की भागीदारी अगर होती है तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है डेमोक्रेसी का, एक अच्छा, समझिए कि ये एक चीज़ है। तो मैथिली ठाकुर को इसी का जागरूकता करने के लिए, मतदाता को मतदाता केंद्र पर जाकर वोट डालने का प्रोत्साहन करने के लिए, उनको उसको समझाने के लिए मैथिली ठाकुर को बनाया गया, स्वीप आइकॉन बनाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में जो बनाया गया था, 2011 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक ये मुफ्त में अनाज मिलेगा, यानी कि पैसे नहीं लिए जाएंगे 1 जनवरी 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। जैसे पैसा देना पड़ता है ना, पहले 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो मोटा अनाज, ये राशि के रूप में देना पड़ता था। तो लगभग वित्तीय वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आपको कोई भी पैसा देने का इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होगी और बहुत सारे राशन दुकान वाले को तो पता होगा, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन बहुत हाई है, वो जानते बूझते हुए भी कई बार नहीं बताते हैं लोगों को और पैसे जो ले लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या मतलब, कभी बताएंगे ही नहीं कि ये योजना सरकार आपके लिए लाई है कि 2023 से लेकर 2023 तक आपको मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, सरकार ने ये प्रावधान किया है, तो लोग बताएंगे नहीं। बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते होंगे और उसका जो है लाभ नहीं उठा पा रहे होंगे, खासतौर से जो अनाज लेने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, तो उसके लिए 2 रुपये भी मतलब, अगर वो 5 रुपये 5 किलो पर व्यक्ति अगर अनाज मिल रहा है तो एक अच्छा खासा वेट हो जाता है, जिसमें 200-250-300 का खर्च हो जाता है। तो समझिए कि एक अच्छी मतलब जो है सहायता है लोगों के लिए, तो इसका जो है प्रावधान जो है किया है, तो ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य का आयोजन किया गया, प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में किया गया। राष्ट्रीय युवा उत्सव ऊर्जा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का नियोजन कहाँ किया गया? छपरा में किया गया। गणतंत्र दिवस के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी का पेशकश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया? रबर डैम, गया जी डैम का जो है पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया।
यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई झांकी नहीं देखेगी। तो ये बड़ा मतलब ख़राब है बिहार के लिए, बड़ा इम्प्रेसिंग है। यह 7वीं बार है कि जो दिल्ली में जो झांकी पेश की जाती है, बिहार का कोई भी झांकी जो है 7वां साल हो गया कि लगातार कि इस कभी भी जो है 7 साल तक लगातार बिहार की कोई झांकी वहाँ पेश नहीं हुई। बस 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? 356वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, घटना चक्र का ये सीरीज़, इसको भी आपको जो है फॉलो करना है। वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? 356वां। और इरडा द्वारा, इरडा ये एक इंस्टीट्यूट है जो रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है? तो प्रति अनुसार बिहार में प्रति हज़ार व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? बीमा आप जानते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। तो कितने लोगों पर है, प्रति हज़ार लोगों में कितने लोगों पर है? तो 165। और ये जो है इरडा, इरडा जो है इसका जो है आकलन करती है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके 20 दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसके बीच में जो है ये हुआ। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य की सरकार की मध्य राशि का जो खर्च है, 60 केंद्र सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय सर में कहाँ रहा? मतलब पटना का स्थान पासपोर्ट बनवाने में 11वां स्थान रहा, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा रैंक है। वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए। बिहार के लोग काफ़ी जो है काम के लिए विदेश की ओर जाते हैं, यूपी के लोग भी जाते हैं। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान गई? सारण। 72 लोगों की जान गई थी जहरीली शराब पीने की वजह से, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि पिएगा तो मरेगा। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन क्या हुआ? 30 अप्रैल 2022 को हुआ। बिहार सरकार के हरित आवरण कितने का लक्ष्य निर्धारित किया? 17%, यानी कि 17% जो है हमारे पूरे बिहार में जो है जंगल को बनाना है। बहुत देश से प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया पटना में, दीदारगंज। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 दिन घोषणा? सीएम बालिक स्नातक प्रोत्साहन योजना। इसका लाभार्थी भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो आप जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-27 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस का अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। मतलब 25 करोड़ लोगों को काम मिल चुका है मनरेगा से, तो ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। अब बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 27.26 करोड़ का कार्य दिवस की मांग की थी। दिसंबर 2022 से कदरा सोलर प्लांट का काम शुरू हो गया है। ये कितना मेगावाट क्षमता का है? ये 250 मेगावाट की क्षमता का है। कजरा सोलर प्लांट लखीसराय में स्थित है और ये एक अच्छा बिजली का जो है खपत पूरी करने का, यहाँ पे लखीसराय जमुई जो उनके आसपास के इलाके हैं उसके लिए एक अच्छा अवसर है। आगे देखेंगे, 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण से संबंधित अवेयरनेस का रिपोर्ट जारी करता है और फिर हमारा कंडीशन को बताता है कि जो है कितना हम गंदा है, प्रदूषित है हमारा शहर। तो 29 दिसंबर 4 जनवरी तक बिहार के क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान 4था। सॉरी, दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित वित्तीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 559 करोड़ रुपया जो है पटना राशि के लिए आवंटित की गई। लगातार तेजी से पटना मेट्रो का काम जारी है। कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ, यानी कि ऐसा बजट जिसका जो है विशेष कोई कार्य नहीं निश्चित है लेकिन उसका खर्च जो है किया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाई गई। बरौनी खाद के कारखानों को प्रतिवर्ष 1.12 लाख मेट्रिक टन की उत्पादन कर रखा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। 12 दिसंबर 2022 के बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया बिहार में, ठीक है? ये एक अच्छी चीज़ है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया। कितने का जुर्माना का प्रावधान किया गया है? 5,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है अगर जो कि प्लास्टिक का कानून का अपवाह नहीं करता। यहीं से करप्शन स्टार्ट होता है, जो जुर्माना होता है यहीं से कानूनी तौर पे इसको जो है दर्जा प्राप्त हो गया। अब जो हमारे जो अधिकारी जो महाशय हैं वो क्या करते हैं, वो जो इसका अनुपालन नहीं करते उनको वो सबक नहीं देते हैं बल्कि उनसे पैसे ऐंठते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं, ठीक है? तो ये जो जो मुआवजा वाली जो बात है, जुर्माना वाली जो चीज़ है, इससे लोग काफ़ी हैरेस होते हैं। गरीब लोगों को जो है कहाँ कहाँ से उनके पैसे में, हो सकता है कोई मजदूर 500 रुपये कमा के आ रहा हो दिहाड़ी मजदूरी से और वो प्रशासन जो है उनसे जो है इस तरीके से कानून का अपमान ना करने पर जो है उनको
इस तरीके से वो ले लेती है, और फिर जो है पुलिस के डर से लोग पैसे भी दे देते हैं। तो ये जो है प्रावधान अच्छा नहीं है। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष प्रबंधन संशोधन मॉडल उपवृत्ति 2022 की स्वीकृति दी गई। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया। अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्याध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। खेल प्राधिकरण के गठन का जो है फैसला किया गया, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में G20 संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 से 7 मार्च 2023 के बीच में किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई, तो भागलपुर में की गई। मतलब दलहन में जो है फसल में विल्ट रोग का जो है यहाँ पर केस देखने को मिला। ठीक है, पटना जंक्शन के पास मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई, जून 2023 तक। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया, माँ बोधि मंदिर मंदिर गया में। ये आप यूँ मान के रखिए कि इस पर सवाल पूछा ही जाना चाहिए और ये सवाल पूछा भी जा सकता है। ठीक है, त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन किया गया था महाबोधि मंदिर गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा किया गया था, इसका आयोजन वियतनाम में किया था। नॉर्डन वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया, गांधी मैदान पटना में। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नवंबर का 2022 का यहाँ पे घटना चक्र है। गंगा जल आपूर्ति योजना, इस पर सवाल पूछा गया था, इस पर सवाल 68 में पूछा गया था। गंगा जल आपूर्ति योजना, पूर्व नाम था इसका गंगा उद्धव योजना, उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वारा किया गया। तो इस पर पूछा गया था कि मुख्यमंत्री ने जो है गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कहाँ से की थी, तो बस सिंपल सा जवाब था राजगीर से किया। कुल लागत 4475 करोड़। यह बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें जो है कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका जवाब हम नहीं दे पाते। इस वजह से नहीं दे पाते क्योंकि हम उसको अहमियत नहीं देते। ठीक है, तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, इसको हर जगह पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर। इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इतना डिटेल में नहीं है। देखिए सवाल कितना सिंपल पूछा था, पूछा था कि कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो राजगीर से स्टार्ट किया गया था। और इसके पूर्ति कहाँ तक लक्ष्य जो है रखा गया इसकी पूर्ति करने का, तो राजगीर में, गया में, बोधगया में, नवादा में जो है गंगा के जल को यहाँ तक जो है पहुँचाया जाएगा। पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर है, गंगा का जो स्वच्छ जल है इसको पहुँचाने का काम जो है 4 जिला में किया जाएगा। ये योजना जो है सरकार ने लागू किया। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवार रोजगार को 1,00,000 रुपये देने की मंजूरी दी गई। मतलब जो शराब का जो कारोबार करते थे उन लोगों को बेरोजगारी को दूर करने के लिए 1,00,000 रुपये का मंजूरी दी गई सहायता राशि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसका जो विषय था, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, यानी कि जो हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है इसको बढ़ावा देने के लिए, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को हमारे देश से और हमारे विदेश तक जो है हम लोग इसको यूज़ करें, इसको प्रोत्साहित करें। इस मेला में राज्यों की श्रेणी में सर्वेस्ट पवेलियन के लिए बिहार को पवेलियन रजत प्राप्त किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की 121वीं कांग्रेस काउंसिल मीट और प्रैक्टिकल सेमिनार का उद्घाटन किया। पटना गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयन के ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थे। ठीक है, ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज एवं नई नामचीन खिलाड़ी, ये सब लोगों ने भाग लिया था। पटना जिले के रहने वाली कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियन में 3 इवेंट में हिस्सा लिया, 6 स्वर्ण पदक जीता। पूरी दुनिया में बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने 6 स्वर्ण जीते। 9 नवंबर 2022 में गोपालगंज मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की। सरकारी स्कूल में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया। तो ऐसे तो क्लासरूम नहीं भर जाएगा, ऐप लॉन्च करने से वहाँ बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, काबिल शिक्षकों को लाना पड़ेगा जो बच्चों को पढ़ाने में योग्य हों। ज़्यादातर तो अयोग्य शिक्षक को जो है चयनित कर लिया जाता है। रिश्वत देकर करप्शन हमारे यहाँ इस सतह पर पहुँच चुका है। बिहार राज्य विकास निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया।
बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। लेकिन बिहार में जीएसटी का जो है संग्रह 28% से अधिक हुआ है, जो कि देश में सर्वाधिक है। असम दरभंगा NH 179 ग्रीनफील्ड फोर लेन एक्सप्रेस वे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने उद्घाटन किया है। इसका नितिन गडकरी ने इनका उद्घाटन किया। इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा जिले शामिल है, जो INH जो है नेशनल हाईवे, इतने जिलों को कनेक्ट करेगी बिहार में। बिहार की इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। मतलब टाइगर की सफारी जिसे हो गया ना कि उसमें बैठकर आप पूरे जंगल को विजिट कराया जाएगा। वाल्मीकि नगर टाइगर बिहार का इकलौता और टाइगर रिजर्व है, जहाँ सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको बस अच्छे से जो है रेगुलेट किया जाए। गोपालगंज जिले के धावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा, इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम इसका जो है दूसरा पार्ट आपको लोड कर देंगे। लगातार इसका जो घटना चक्र है, इसका जितना पार्ट हो सकता है, जितना पार्ट बन जाए, हम इसको लोड कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे जनवरी 2022 तक, ताकि आपको कोई भी करंट अफेयर का कोई टॉपिक ना छूटे, बिहार से रिलेटेड और नेशनल इशू से भी, बाकी जो भी करंट अफेयर काम के वो कोई भी ना छूटे। थैंक यू।